नमस्ते दोस्तों, बीए टाटा ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में आपका स्वागत है। आज हम जो स्टॉक डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है एमईपी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड। तो इसने भी आज डेली चार्ट में ब्रेकआउट दिया है। चलिए इसके फाइनेंशियल देख लेते हैं जल्दी से और फिर इसके देखते हैं। तो एमईपी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड इंगेज इन द बिजनेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया विथ ए फोकस ऑन सर्विंग द सेंट्रल एंड स्टेट रोड अथॉरिटीज। अब इसके आप फाइनेंशियल देखेंगे तो इतने अट्रैक्टिव नहीं है। आरओसी नेगेटिव में है। आरओसी 5 ईयर का थोड़ा पॉजिटिव है और प्रॉफिट वेक्शन शो नहीं कर रखा है। बुक वैल्यू माइनस में दिखा रखी है। करंट प्राइस 12.6 है और इसके पास फ्री कैश फ्लो जरूर है। अब चार्ट में देखेंगे तो ये कंटिन्यूअसली एक डाउन ट्रेंड में है और ऊपर की तरफ ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, जो हो सकता है कि फेल भी हो सकती है। प्रोस कंपनी हैज रिड्यूस डेप्थ रिड्यूस की है। बाकी कौन से में आप देखेंगे, कंपनी हैज लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, प्रोमोटर्स होल्डिंग भी इंक्रीज हुई है और द कंपनी हैज डिलीवर्ड ए पुअर सेल्स ग्रोथ और प्रोमोटर है प्लीज 92% ऑफ देयर होल्डिंग्स। अगर पीयर कंपेरिजन की बात करें तो एमईपी इंफ्रा जो एक काफी खराब फंडामेंटल्स का स्टॉक्स है और जिसका पीई भी हमें पता नहीं है, तो ये इसका वैल्यूएशन तो इन एयर है। तो आप बाकी दूसरी कंपनियां भी है इनमें जो देख सकते हैं, जय कुमार इंफ्रा और जैसे, जिनका वैल्यूएशन अच्छा है। अभी इसके चार्ट में देखते हैं, ये चार्ट में एकदम लो पे है। तो अगर इसके फंडामेंटल सबसे सुधरने लगते हैं और ये जो ब्रेकआउट डेली का ब्रेकआउट दिया है ये अगर कंटिन्यू होता है, तो फिर अगर प्राइस ऊपर की तरफ मूव करे तो इसमें हो सकती है कि लॉन्ग टाइम में हमें अच्छा रिटर्न मिल सकता है। क्योंकि बहुत सारी कंपनी हम ऑलरेडी एनालिसिस करके देख चुके हैं जिसमें कि लो बना के भी प्राइस रिवर्स हो जाती है और बहुत सारी कंपनियां ऐसी भी होगी जिसमें ये नहीं भी होता होगा। तो इसके फंडामेंटल्स तो अभी करंटली तो अच्छे नहीं है, पर इसके अगर आप देखेंगे तो डेली चार्ट में इसने आज एक ब्रेकआउट दिया है। आप देख सकते हैं बोलिंजर बैंड का स्क्वीज को ऊपर की तरफ ब्रेक किया है। अब आपके पास इसमें जो रेजिस्टेंस लाइन होगी वो इसकी जो ट्रेंड लाइन है, मेजर ट्रेंड लाइन हम इसमें एक ड्रॉ कर लेते हैं और मेजर और माइनर जो भी ट्रेंड लाइन बनती है वो हम सारी इसमें ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे ये हाई है, उसके बाद अगर हम बात करें तो ये एक ट्रेंड लाइन हुआ करती थी इसमें, जिसको इसने एक बार ब्रेक किया और उसी के साथ साथ ये उसमें फिर अगेन उसके नीचे चला गया। अभी जो करंटली इसकी ट्रेंड लाइन हमारे पास बनेगी, एक तो इस हाई को मैं इस हाई के साथ मिलाऊं जो अगेन इसने बनाया, तो अभी ये उसी के आसपास है देख सकते हैं। और ये जो अभी जो प्राइस बनी है उसका रिजेक्शन पॉइंट भी कह सकते हैं। तो ये जब तक इसके ऊपर क्लोज नहीं हो जाती 13-14 के ऊपर और सस्टेन नहीं कर लेती है और अगेन आप के सपोर्ट नहीं, ये अभी एकदम बॉटम पे है। ये प्राइस एकदम शेयर प्राइस अभी एकदम बॉटम पे, इसने एक लो भी बना रखा है जो 9 रुपए का है। उसके बाद ये ऊपर भी गया है, एक बार ये ब्लास्ट करने दीजिए, इसको थोड़ा ऊपर मूव करने दीजिए और ये जो हाईज हैं उसके ऊपर एक बार अगर ये निकल जाए, ये हाई जैसे हैं इनके ऊपर निकल जाए और एक बार सपोर्ट बना दे, तब इसमें अपन बाइंग कर सकते हैं। क्योंकि आपके पास इसमें रेजिस्टेंस भी काफी सारे हैं और ट्रेंड लाइन का भी रेजिस्टेंस है, तो इसमें रिस्क ज्यादा हो सकता है। अगर आप अभी मतलब रिस्क इस हिसाब से कि ये प्राइस जो एक बार ये टच कर रही है और अगली बार अगर गिरे तो इस प्राइस पे भी वापस शेयर ना आए, इसलिए एक बार इसको ऊपर आने दीजिए, तभी हमें पता चलेगा कि इसके फंडामेंटल सुधर रहे हैं, क्या हो रहा है इसके इंटरनल में क्या हो रहा है। क्योंकि सभी चीजें हम बाहर से नहीं देख सकते हैं जब तक कि प्राइस में दिखाएगा नहीं ये। तो आई थिंक कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो आप अपने फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।